हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं जर्नल प्रॉपर। ये इसका एक और नाम है जनरल जर्नल। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जो किसी बुक में नहीं आते, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना कैश बुक, ना बीआर बुक, ना बीपी बुक, तो फिर वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं जर्नल प्रॉपर में। सर, ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? एक तो ओपनिंग एंट्री, जिसमें संडे सारी एसेट्स को डेबिट करते थे, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते थे। एक आपकी क्लोजिंग एंट्री, जो कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल से बनती है। एक आपकी ट्रांसफर एंट्री, जैसे ड्राइंग का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो वो। एक आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, जो आपकी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड डेप्रिशन इनके लिए होती थी। एक रेक्टिफाइंग एंट्री, जिसका एक अलग से चैप्टर है। और एक मिसलिनियस एंट्री, जिनके एग्जाम्पल आप दे सकते हो परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट। अब ये एसेट खरीदी है तो परचेज बुक में आ नहीं सकती, और ये क्रेडिट में खरीदी है तो कैश बुक में भी नहीं आ सकती, तो फिर वो कहाँ आएगी? जनरल प्रॉपर में आएगी। ऐसे इसका उल्टा, सेल ऑफ एन एसेट, एसेट बेची है तो सेल बुक में तो आ नहीं सकती, और क्रेडिट में बेची है तो कैश बुक में भी नहीं आ सकती, तो फिर वो कहाँ आएगी? जनरल प्रॉपर में। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये भी और कहीं तो आ नहीं सकती, तो वो जनरल प्रॉपर में आएंगी। तो कुल मिलाकर जनरल प्रॉपर में वो सभी ट्रांजेक्शन आते हैं जो और किसी बुक में नहीं आ पाते, तो फिर वो आपके जनरल प्रॉपर में आते हैं। तो ये थ्योरी क्वेश्चन में बनेगा कि जनरल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं, तो आप लिख सकते हैं इन सब के नाम। इन सब के नाम आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से इसका भी क्वेश्चन होगा, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स आपको दे देंगे। और जनरल प्रॉपर जस्ट जनरल जैसे ही बनता है तो वही एंट्रीज हैं, बैड डेट्स टू सुनील, कैलाश टू मशीनरी, ड्राइंग टू परचेज, जिनमें कैश भी नहीं है और वो और किसी बुक में आ नहीं सकती, तो फिर वो किस में आएंगी? जनरल प्रॉपर में आएंगी। सही है। अब इसका जो कंबाइंड क्वेश्चन आता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है। वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ कि ऐसे ट्रांजेक्शन जब बहुत सारे दे रखे हों और आपको कहें कि इनको है ना अप्रोप्रिएट सब्सिडी बुक में लिखो। अब सर, सब्सिडी बुक तो इतनी सारी होती हैं, तो क्या सारी बनेंगी? बिल्कुल सारी बनेंगी। तो आप क्या करो, सबसे पहले छांट लो कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ आएगा। जैसे पहला ट्रांजेक्शन में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दे रखा है, ये ओपनिंग एंट्री है, ये कहाँ आएगा? ये जनरल प्रॉपर में आएगा। परचेज फ्रॉम रामलाल एंड सन्स, ये परचेज बुक में आएगा, तो पीबी लिख दो। परचेज फ्रॉम घनश्याम दास, और हाफ द पेमेंट मेड इन कैश एंड हाफ इन चेक, यानी दोनों ही पेमेंट हो गए, तो ये तो कैश बुक में आएगा। परचेज मशीनरी, अब ये परचेज बुक में नहीं आ सकता क्योंकि मशीनरी खरीदी है, तो ये फिर ये कहाँ आएगा? जनरल प्रॉपर में आएगा। ऐसे सारे ट्रांजेक्शन पहले छांट लो, उनके आगे लिख दो जेपी, पीबी, सीबी, एसबी, जेपी, जो भी आपको लिखने हैं। अब आप बारी बारी से बनाइए। जैसे इसने पहले क्या बनाया, पहले इसने बनाया कैश बुक, तो कैश के सारे ट्रांजेक्शन यहां बता दिए। उसके बाद इसने बनाए हैं परचेज बुक, फिर सेल्स, फिर परचेज रिटर्न, फिर सेल्स रिटर्न, और सबसे एंड में जनरल प्रॉपर। तो सारे ट्रांजेक्शन देखो, एक ही क्वेश्चन में सारे ट्रांजेक्शन दे दिए और सारी बुक्स एक ही क्वेश्चन में पूछ ली। ऐसे क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये टफ नहीं होते। तो सजेशन मेरा यही है कि ऐसे क्वेश्चन को जब आप करें तो सभी ट्रांजेक्शन के आगे पहले इनकी नेमिंग कर दें, कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ आएगा। उसके बाद एक एक करके एक एक बुक बनाते जाएं, नाम आपने यहाँ पहले लिख दिए, तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से ये आपको बड़े क्वेश्चन करने हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे सभी वीडियोज़ देख कर आपको सब्सिडी बुक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्री के मार्क्स हैं, बहुत आसान है, केवल लिखना है, मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन है, सारे फॉर्मेट याद करने हैं। फॉर्मेट याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि जितने भी फॉर्मेट है ना, ये एक ही पेज पे इनकी डमी बना के रख दो। इससे क्या है कि सारे जब फॉर्मेट एक ही पेज पे आ जाएंगे तो आपको कंपैरेटिवली उनको याद करना है ना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद आप इस चैप्टर को करिए। ओरल चैप्टर है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, केवल मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू।